मम्मी मम्मी मैं पास हो गई, ये देखो मेरी रिपोर्ट कार्ड। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? अरे पास हो गई, अरे वाह, बता मेरी बेटी क्या क्या खाएगी, मैं तुझे सब कुछ बना के दूंगी। काम करो, मुझे ना आप मसाला डोसा, इडली डोसा, या फिर दही वड़ा, या फिर शाही पनीर बना लो मम्मी, और तो कुछ नहीं, शाही पनीर तो कम से कम बना लो। खाने का बाद में पहले झाड़ू पोछा कर ले, ठीक है ना, फिर बनाऊंगी। पापा ये देखो मेरा रिजल्ट, मैं पास हो गई। अरे वाह, शाबाश बेटा शाबाश, जाए कप चाय बना ला मेरे लिए इसी बात पे। काम काम काम, अच्छा झाड़ू पोछा ही करवाना है तो पढ़ा क्यों रहे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पोछा झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछा लगाना, झाड़ू पोछा ही लगाना, तो पढ़ाई क्यों करवा रहे हो, चाय बनाओ इनके लिए। ये नहीं, ये बेटी पास हुई है, कम से कम इसको कुछ खाने के लिए तो दे देना के हैं। चाय चाय चाय, तो इनके लिए चाय बनाओ, तभी ये पूछेंगे हाँ बेटा तुझे क्या खाना है क्या पीना है, उसके बाद मुझे चाय। हेलो, हाँ फिर बेटी पास हो गई है सच्ची? हाँ मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, पूरे दिन भी पूरा दिन पढ़ती है वह, उसने रात को भी जाग जाग कर डेढ़ डेढ़ तीन तीन बजे तक उसने पढ़ाई की है, बहुत अच्छे नंबर आए हैं और मेरी बेटी पास हो गई, 80% आए हैं, 20% रह गए हैं, कोई बात नहीं क्या करेंगे। लो पापा जी लो, मेरे पास होने की खुशी में चाय पियो आप। लो मम्मी लो, आपके झाड़ू पोछे से, झाड़ू पोछे में PhD कर लिया है मैंने, ठीक है, कर दिया सारा घर का काम। चलो ठीक है, मैं बात पे कॉल करती हूँ। झाड़ू पोछा हो गया ना, ध्यान नहीं किया मुझ पे, गंद भी तुम ही फैलाते हो, तू और तेरा भाई, ठीक है ना। अब जाके उस रूम को साफ कर ले अपने को, और बर्तन पड़े अंदर वो भी साफ कर ले, ठीक है।